आज हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो है 45 इंचेस, बॉडी लेंथ जो आएगी हमारे पास वो है 16 इंचेस, ब्रेस्ट जो है 40 और वेस्ट हमारे पास है 36। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ये देखिए ये कपड़ा जो है वो टू फोल्ड में लिया हुआ है। यहाँ से इस तरह से इस कपड़े को फोर फोल्ड में ले रही हूँ। देखिए यहाँ से मैंने 12 इंचेस ले लिया है। ऐसे ये 12 इंच जो है वो मैंने फोर फोल्ड में कट करना है। ये देखिए, ये हमने फोर फोल्ड में ले लिया है कपड़ा। ये देखिए फोर फोल्ड में लिया है हमने इसे। अब यहाँ से जो हमारी बंद साइड है वहाँ से हम मेज़र करना शुरू करेंगे। देखिए, बॉडी जो है वो हमारे पास है 16 इंचेस, तो हम 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से देखिए टोटल जो है वो 16 इंचेस। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास तीरा आएगा वो है 6.5 इंच, 6.5, 6.5। अरे यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर से हमने 7 इंच लिया है। ये देखिए यहाँ से 7 इंचेस। तो यहाँ से ब्रेस्ट देखिए, ब्रेस्ट हमारे पास है 40, तो 40 का हमने फोर्थ पार्ट लेना है 10 इंच। अब यहाँ से ये जो हमने 17 इंचेस लिया है, यहाँ से हमने 1.5 इंच जो है 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। और यहाँ पे देखिए, हमने जो हमारे पास इसकी कमर है उसकी मेज़रमेंट लेनी है। हमारे पास 9 है बट मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंचेस ले रही हूँ। अब यहाँ से ये जो हमने मार्किंग की है 1.5, यहाँ से हमने इसे यहाँ पे मिलाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमने 1.5 लिया है यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। अब यहाँ से जो प्लेट्स के निशान हैं वो लगा लेंगे हम। मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे ले रही हूँ। लेंथ में जो है वो 11.5 इंच और जो बिर्थ में हमने लेना है वो लेना है 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारी जो है वो प्लेट्स आ जाएंगी। देखिए यहाँ से आर्म होल का निशान लगा देंगे। और यहाँ से जो है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो प्लेट्स डाली है उसकी मार्किंग कर देंगे यहाँ से। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम जो है वो हमने इसकी जो फ्रंट पार्ट आएगा उसकी आर्म होल की कटाई दे देंगे यहाँ से। ये भी हो गया। देखिए इसकी जो बैक नेक है हमारे पास वो है
सिक्स एंड हाफ इंच, तो यहाँ से मैं सेवन इंच कट करूँगी। ये देखिए यहाँ से सेवन इंच, और बेड में जो है वो हमने दिया है 2.5। कटिंग हो गई है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए अब हम इसके जो नीचे का घेरा आएगा उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ से ये कपड़ा जो है वो टू फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है हमने। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से, अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो है 45 इंचेस, उसमें से 16 इंचेस की हमने जो है वो बॉडी कट कर ली है, तो हमारे पास रेस्ट जो बचते हैं वो 29 इंच, तो उसमें हमें 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए स्टिचिंग के लिए। मीन्स टोटल अभी हमारे जो घेरे की लेंथ है वो चाहिए 31 इंचेस। तो यहाँ से देखिए पहले तो हम यहाँ से वेस्ट देखेंगे। वेस्ट हमारे पास कमर जो है वो 36 इंचेस है, तो यहाँ से हम 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, मीन्स 11 इंचेस। देखिए इस तरह से गुलाई में जो है वो आपके 11 इंचेस आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से देख लें, ये मेरा 14 इंच आ रहा है, यहाँ से भी 14 इंच और यहाँ से भी ये देखिए 14 इंचेस। तो यहाँ से ये हमारा कमर की तरफ की जो है वो कटिंग यहाँ पे आएगी। अब इसके नीचे देखिए यहाँ से हमें 31 इंच जो है वो लेंथ चाहिए, बट हमारे पास ये जो है ये 26 इंचेस आ रही है, तो यहाँ नीचे जो है वो हम जॉइंट डाल देंगे। देखिए इसे 31 कंप्लीट करने के लिए हम नीचे एक पट्टी लगा देंगे, बट यहाँ से देखिए ये 26 एंड हाफ इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो हमने यहाँ पे पूरे घेरे में जो है वो 26 एंड हाफ इंच ही लेना है। देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अगर आपके पास लेंथ जो है वो कम है, जैसे 45 इंचेस है, तो आपको इसके नीचे जो है वो अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से अलग से एक पट्टी करके यहाँ पे अटैच करूँगी। यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये जो इसका नीचे का घेरा है वो आ जाएगा। देखिए ये जो नीचे जॉइंट डालना है मैंने, उसके लिए ये मैंने नीचे पट्टी कट कर ली है।
से, इस तरह से। ये हमारे पास चीज का जो घेरा है उसके नीचे आ जाएगी। देखिए इस तरह से नीचे घेरे में आ जाएगी ये पट्टी हमारी।